इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश ही। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय। ना, ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में, उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है? किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्म? जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पार कीजिए? भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन
जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। पूर्वजों की इच्छा आशा महत्वाकांक्षा क्रोध बैर प्रतिशोध यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम ज्ञान संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्वग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्वग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या मृत्यु रक्तपात क्या इन्हीं पूर्वग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं, प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का हृदय का हो या वास्तविक हो उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा, कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं, और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, या आपने कभी विचार किया है?
सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। तो किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं?
स्वयं विचार कीजिए। हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाते। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल